हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एवर यूथ के पील ऑफ फेस मास्क की, जो मैं पूरा प्रोसीजर आपको करके दिखाऊंगी। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं कि बहुत सी क्यूट सी है। 50 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट आता है, एवर यूथ का पील ऑफ फेस मास्क, गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क इसमें मेंशन है। और इसका प्रोडक्ट है 30 ग्राम, जो इसके बैक साइड मेंशन है। और पूरा जो भी प्रोसीजर है यहाँ बैक साइड मेंशन है, वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ। तो और इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप स्टेप वाइज इसको ज़रूर फॉलो करें और इस तरह ही यूज़ करें, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बेस्ट है ड्राई स्किन और ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप के लिए बेस्ट रिजल्ट ज़रूर देगा। इसमें विटामिन सी है क्योंकि इसमें ऑरेंज है, और इसमें विटामिन बी भी है। तो ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन के पूरे ओवरऑल उसके ग्लो लौटाने के लिए, इसलिए ये गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है। और इसमें मेंशन है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसका जो ग्लो है ये सच है कि इसका ग्लो ये ज़रूर लौटा सकते हैं। बाकी इसमें 24 कैरेट जैसा मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद जो मुझे लगी, तो ये अफोर्डेबल है फर्स्टली, सेकेंडली ये अपना काम जो इसमें मेंशन है वो अच्छे से करता है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है ये बहुत इरिटेटिंग है, और आप इसको आइस से अपने दूर रखें। इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अगर आपको ये एलर्जी जैसा लगा तो आप इसे उतने टाइम ही वॉश कर लें और इसे यूज़ ना करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है इसे, तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। और अगर आप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आईज़ को बचा के करें। तो इसके ड्रॉबैक और इसके बेनिफिट्स हम दोनों इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसके यूज़ बताऊँगी आपको कैसे यूज़ करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस प्रोडक्ट को ज़रूर आप कर सकते हैं ट्राई, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपकी आईज इरीटेट हो सकती हैं, और मेरी इरीटेट हुई मैं बता रही हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप ना करें इसको, आईज़ के पास ज़्यादा गैप छोड़ें और इरीटेट कर सकती है। इसलिए आप अपने आँख को बंद कर लें, या फिर आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ना ही करें तो बेटर है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप ज़्यादा गैप देके अपने आईज़ के पास फिर इसको यूज़ करें, ताकि ये आपको इरीटेट ना कर सके। अगर इरीटेट करेगी तो आईज़ हमारे सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं बॉडी का, जो इरीटेट होगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप आईज से इसे दूर रखें। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है, जो इसका ड्रॉबैक मुझे लगा। अगर ये प्रोडक्ट और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।